करनाल के कोहट गांव में एक बार फिर छात्रों के बीच तेज धार हथियार चले। घटना में 10वीं कक्षा का एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में छात्र को घरोंडा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के डॉक्टरों ने छात्र की हालत को गंभीर देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के बाद करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया। वहीं झगड़े का कारण एक पुस्तक का लेन देन बताया जा रहा है। आपको बता दें कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोहंड स्कूल का छात्र अभिषेक कोहंड बस अड्डे पर अपने साथी साहिल के साथ खड़ा हुआ था कि इसी दौरान दो युवक आए और उन पर तेजधार हथियार से हमला बोल दिया। हमले में अभिषेक पर 3-4 वार किए गए जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। छात्र पर हमला होते देख आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए और घटना की सूचना परिजनों को दी। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और घायल छात्र को घरोंडा के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचाए। आपको बता दें कि गांव कोहंड में सरकारी स्कूल के छात्रों के बीच झगड़े का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व भी बीती 17 दिसंबर को गांव कोहंड में छात्रों के दो गुट आपस में ही भिड़ गए थे, जिसमें एक गुट ने दूसरे गुट के छात्रों पर चाकुओं से हमला बोल दिया था। हाँ जी, मैं डॉक्टर अजय हूँ। अभी केस आया था कोहंड गांव से, ठीक है, जो फिजिकल असोल्ट का था। वहाँ चोटें लगी हुई हैं, दो तीन जगह चोटें आई हैं उनको, तो उनको अभी सुचरिंग करके हमने रेफर कर दिया अपने एक्सरे के लिए और उनकी जो MLR काट के वो साथ भेज दी है। तो क्या किस प्रकार की चोटें हैं? वो चोटें थोड़ा लग रहा है, वो चोटें MLR पे लिख रखी है, जैसे वो MLR रिकॉर्ड है वो उनका भेज दिया पुलिस वाले। देखने में क्या लगता है, कोई ब्लंट है या शार्प वगैरह? हाँ नहीं, देखने में तो शार्प लग रही है। अच्छा, क्या बात हुई थी, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? मेरे दोस्त की गाइड थी युवराज पैर भारी उम्र है, ले गाइड मांगने गए थे, एले उन्हें कहा भाई दे दूंगा, एले नु कह के चले गए, सन्नी नु कह के गया भाई देख लूंगा तने में। दूसरे थे क्या गया था एले, फिर आज हमने सोचा मैं केक होगा गांव की गांव में, एले हम तो अड्डे पर रहे थे अंडे खान जिम मार गए पीछे पे गंडा से लेते सुमा लेते। कितने लोग थे? दो जने थे, एक मोहित था कुमारों में था, दूसरा एक चन्नी था। अच्छा, तो आपके अलावा किसको चोट लगी है? नहीं जी, मेरे लगी। इससे पहले भी कोई झगड़ा हुआ था? ना, इससे पहले नहीं था। जैसे कि इससे बच्चे से पता लगा है भाई, कल ये इनका कोई किताब के ऊपर लेकर कुछ झगड़ा हुआ था और उसने लेकर जो दो गांव के लड़के थे उन्होंने इनका वार्निंग दी थी कल, भैया तो हमारी किताब दे दो नहीं हम आपने देख लेंगे। और आज अचानक ये बस स्टैंड पर अपना कुछ खाने पीने जा रहे थे और उसने लेकर वो पीछे से आए और तीन जगह इसका लड़कों को डांसी मारी है जी। तो पुलिस कार्रवाई कुछ की गई है? पुलिस कार्रवाई अभी जाएंगे और अभी करके आएंगे। रेफर किया गया बच्चा यहाँ? बिल्कुल जी, रेफर करनाल कर दिया यहाँ घरोंडा से, और जो इसका एक्सरे वैक्सरे होगा वो वहीं कराएंगे। तो कितनी जगह चोटें आई है इसको? तीन जगह चोटें हैं और 3-4 शायद टांके लगे हैं उसमें टांग में। किस चीज से वार किया गया इसको? एक गंडासी थी और एक सुआ था, जो बर्फ फोड़ने का सुआ था एक वो था और एक गंडासी लिए हुए थे और दोनों मार के बोल रहे चले गए।